नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और खबर 5 बजे लेकर हूं मैं आपके बीच आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। टप्पल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सीईओ अरुण वीर सिंह के आदेश पर एक्शन देखने को मिला है। 200 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। टप्पल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया है। सीईओ अरुण वीर सिंह के आदेश पर यह एक्शन देखने को मिला। देखिए तस्वीर भी सामने आई है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिली। टप्पल में अवैध निर्माण किया गया था और इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। एक एक करके जो दीवार है उसको गिराया गया, उसके बाद छत को भी तोड़ा गया है। सीईओ के आदेश के बाद यह कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, यमुना अथॉरिटी का ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो 200 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, जहां सीईओ अरविंद सिंह के आदेश पर यह एक्शन देखने को मिला है। टप्पल में यह अवैध निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत मिली थी, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। यमुना अथॉरिटी की यह बड़ी कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा है। टप्पल की तस्वीर है, जहां अवैध निर्माण किया गया था और इसकी शिकायत मिली, और जब शिकायत मिली छानबीन कर यह पाया गया कि अवैध निर्माण है, जिसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। अमूमन इस तरह की तस्वीर अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिल रही है, जहां पर अवैध निर्माण किया गया है उन पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। तरुण भडाना इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण, अवैध निर्माण करने वालों पर एक एक करके शिकंजा हुआ, अमूमन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हम ये तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर जो 200 करोड़ की लगभग जमीन बताई जा रही थी, किन लोगों के नाम सामने आए हैं और अभी इस पूरे मामले में और क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है जिनके नाम सामने आए? जी बिल्कुल, जो प्राधिकरण का बिल्डोजर वो लगातार चलता जा रहा है, जिससे जो अवैध जो कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बिल्डोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें जो नाम है, जो भूमाफिया, उन्हीं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार कौन भूमाफिया, ये कब्जे करने वाले कौन लोग हैं, जिनके खिलाफ आगे जो प्राधिकरण और जो प्रशासन वो कार्रवाई करता नजर आ रहा। हालांकि पुलिस ने की तरफ से भी और प्राधिकरण की तरफ से रिपोर्ट दे दी गई है, करोड़ों की ये जमीन है जिस पर आज ये बिल्डोजर चला है, तो कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उसको मुक्त कर दिया गया है। और वहां जो किन लोगों ने, कौन कौन इसमें शामिल थे, कितने लंबे समय से इसमें शामिल थे, तो अभी तक नाम क्लियर नहीं हो पाया है, जिसमें जो लगातार जो प्राधिकरण और प्रशासन के आला अधिकारी वो मौके पर है और उसमें जांच पड़ताल में जुटते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है तरुण भड़ाना, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।